The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Alright guys, let's talk about STDs. Yeah, the sexually transmitted diseases. Very common. इम्पॉर्टेंट कंसर्न, कई लोगों को कंसर्न है, कई लोगों को लेकिन सही जानकारी, सही नॉलेज नहीं मिलती. मैनी पीपल डोंट नो अबाउट इट, मैनी पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट इट. सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या है? दीज आर अक्वाइर्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. पता है सबको, मतलब कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई पैरासाइट है, ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्स करने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास हो जाती है through semen, blood, vaginal fluid, body fluids आपके अंदर चले जा सकती है और अगर आपके पार्टनर को है तो आपको हो जाएगी और आप भी फैला सकते हो दूसरे किसी पार्टनर को अगर आप लोगों के मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो. सो इन्फेक्शन जो है कई बार नॉन सेक्सुअली नहीं भी ट्रांसमिट हो सकती, ये नहीं पता होगा आपको. जी हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कई बार नॉन सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि मदर से उसके बच्चे को, मदर से उसके इन्फेक्ट को प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर नीडल शेयरिंग से. अगर आप ड्रग्स लेते हैं और एक दूसरे की नीडल पकड़ पकड़ के आप लगा जा रहे हैं, देन ऑल्सो ब्लड कैन गो इनसाइड यू. सो ब्लड, सीमेन, वेजाइनल बॉडी फ्लूइड्स, दिस कैन लीड टू दैट. और जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी एसटीडी होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो आपको कोई सिम्टम होगा ना. Many times STDs don't have any symptoms. It's possible कि आप STD contact कर लोगे और perfectly healthy feel करोगे, आपको पता भी नहीं होगा और आप फैलाते जाओगे. It's possible, it's very likely. So होते हैं तो क्या symptom होते हैं? See, अगर आपको symptom होंगे तो it can range very very wide range है. Signs symptoms अलग अलग हैं. कई बार no symptoms होते हैं, already showed you that. और कई बार unnoticed चले जाते हैं. पर जब कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं सेकेंड स्टेज में तो सिम्टम्स होने लगते हैं. अगर छोटे भी सिम्टम्स हैं तो कंसर्न होकर टेस्ट कराने चाहिए. अगर आपको जेनाइटल्स में, पेनिस के ऊपर कोई भी बम्प है, कोई भी सोर है, कोई छाला है, कोई अल्सर है, दैट्स इट, राइट. या फिर कोई रेक्टल एरिया में, नीचे में कोई बम्प है, सोर है, कोई स्वेलिंग है, छाला है, या मुंह में बहुत सारे छाले हैं उसके साथ, तो फिर हमें टेस्ट करने चाहिए. यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग और पेन हो रहा है तो भी टेस्ट होने चाहिए यूरिन के. और अगर आपको पेनिस से डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ निकल रहा है, सफ़ेद पानी निकल रहा है, पस निकल रहा है, तो भी टेस्ट होने चाहिए. देन इफ़ यू हैव लाइक वजाइना से भी कोई डिस्चार्ज है, अनयूजुअल स्मेल है, डिस्चार्ज है, तो भी टेस्ट होने चाहिए. पेन हो रहा है ड्यूरिंग सेक्स, टेस्ट करना है. लिम्फ नोड्स, अगर आपके ग्रोइन रीजन में, पैंट जहाँ बेल्ट पहनते हो उस एरिया में कुछ गांठें हैं, दो हजार लिम्फ नोड वो फैले हुए हैं, वो सूजे हुए हैं, उसमें सूजन है, तो भी टेस्ट होनी चाहिए. पेन, इवन लोअर एब्डोमिन में पेन है, बुखार है, या इवन अगर पैरों के आसपास थाइज में कहीं पे भी रैश है, कहीं पे भी कोई छाला है, तो कायदे से टेस्ट होने चाहिए डॉक्टर के पास जाके. बेटर बी सेफ देन सॉरी, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो ज़्यादातर केसेस में साइंस सिम्टम नहीं होते, जब होने लगते हैं तो बीमारी आगे बढ़ जाती है. और साइंस एंड सिम्टम्स को होने के लिए कई दिन से कई साल भी लग सकते हैं, कुछ दिनों से कई साल, डिपेंडिंग अपॉन आपके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट क्या गया, राइट. HIV को सालों लगते हैं दिखने में, सामने आने में. सो दैट इज द थिंग. सो इमीडिएटली अगर आप कोई लगता है कि आप किसी इस तरीके की चीज पे एक्सपोज हो चुके हैं तो आप टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर के पास जाके. अगेन इसके कारण में बात करें तो बैक्टीरिया हो सकते हैं. कौन से बैक्टीरिया? गोनोरिया, सिफिलीज, क्लैमेडिया, ये तीन बैक्टीरिया है. गोनोरिया, सिफिलीज, क्लैमेडिया. पैरासाइट्स हो सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस. वायरसेस हो सकते हैं, वायरस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीस जेनाइटल, जेनाइटल हर्पीस, HIV, हेपेटाइटिस, ये वायरसेस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, जेनाइटल हर्पीस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, ये वायरस. सेक्सुअल एक्टिविटी
से क्यों फैलता है, राइट? ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्टिविटी में कई बार अगर बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे के अंदर जाते हैं तो वायरस उसमें हो सकता है, बैक्टीरिया उसमें हो सकते हैं, पैरासाइट उसमें हो सकते हैं। एनल सेक्स से ज्यादा फैलते हैं, बिकॉज एनल रीजन पे कोई लुब्रिकेशन कम होता है, नहीं होता है, तो वहां पर घर्षण से इवन ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने बताया, कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे कि शिंगल्स, जीआरडियासिस और हेपेटाइटिस ए बी सी वायरसेस, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के साथ साथ दूसरे तरीके से भी फैलती हैं। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती है, नीडल से फैल सकती है, मदर टू चाइल्ड फैल सकती है, बाकी सारी चीजें कम फैलती है मदर टू चाइल्ड। सो किसको रिस्क होगा? समबडी हु हैज अनप्रोटेक्टेड सेक्स, राइट? अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, एनल हो, वेजाइनल हो, डजंट मैटर, राइट? ओरल से नॉर्मली लेस रिस्क होता है ओरल सेक्स से, बट देन इन्फेक्शंस कैन बी स्टिल ट्रांसमिटेड अगर आपने कोई लेटेक्स कॉन्डम यूज नहीं किया, राइट? लेटेक्स कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो ओरल सेक्स से इज लेस रिस्की, बट देन दैट इज रिस्क तो है, राइट? मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करेंगे तो भी रिस्क है, जितने ज्यादा पार्टनर उतना ज्यादा रिस्क, बिकॉज उनके उतने ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, देयर इज अ हर्ड, राइट? अगर आपको पुरानी हिस्ट्री है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तो रिस्क हो सकता है। अगर आपको फोर्स किया है किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, कोई भी किसी भी प्रकार का रेप केस में हो सकता है। अल्कोहल मिसयूज, रिक्रिएशनल ड्रग अब्यूज से हो सकता है, पता नहीं चलता हमने क्या कर लिया अल्कोहल में, तो वी नेवर नो, तो यू हैव दीज पीपल हैव अ रिस्क, आई मीन दिस इज द रिस्क फैक्टर्स। देन इन ड्रग्स कुछ इंजेक्शंस है, जैसे नीडल्स हमने अगर लगा रहे हैं, ड्रग्स इंजेक्शन नीडल्स, उससे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, जैसे सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा यंग एज है, 15 से 24 साल है, तो मानोगे आधे से ज्यादा एसटीडी के केसेस 15 से 24 साल के अंदर अंदर होते हैं, क्योंकि यंग लोग इतनी ऐसी गड़बड़े करते हैं। सो यंग एज इज अ रिस्क फैक्टर, उस एज में ध्यान देना है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के इरेक्शन मेडिसिंस ले रहे हैं, वायग्रा, टेडालाफिल, वेलडालाफिल, लेविट्रा, तो इन लोगों में देखा गया है कि स्टडीज में जो लोग ये दवाई लेते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है। मे बी बिकॉज दे आर मोर एक्साइटेड एंड दे डू मोर एग्रेसिव काइंड ऑफ अ सेक्स बिकॉज ऑफ दिस, दैट्स ट्रू। सो मदर टू चिल्ड्रन, मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिट हो सकती है बीमारी, जैसा हमने पहले बताया। और मदर टू ट्रांसमिट कौन कौन सी हो सकती है? गोनोरिया, क्लमेडिया, एचआईवी, सिफिलिस, ये पास हो सकती है मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। एचआई, हेपेटाइटिस पास हो सकती है। और जो ये बीमारियां हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, बच्चे में सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, इवन जानलेवा हो सकती है छोटे बच्चे के लिए। तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन का हमेशा इन सब बीमारियों के लिए टेस्ट होता ही है, दैट यू नीड टू नो। देन चलो हो गई, अब क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन? सी बिकॉज मेनी पीपल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एसटीडीज दे हैव नो सिम्टम्स, इसलिए स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट? और ताकि कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट किए जा सके, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस में आपको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, आई कॉम्प्लिकेशन, आर्थराइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इनफर्टिलिटी, हार्ट डिजीजेस, कैंसर्स, हेपेटाइट, एचपीवी एसोसिएटेड सर्वाइकल रेक्टल कैंसर्स, पेल्विक पेन्स हो सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट। प्रिवेंट कैसे करेंगे भाई साहब? अननेसेसरी अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करिए, प्रिफर करें वो एक पार्टनर हो, मल्टीपल पार्टनर्स ना हो। और अगर दिक्कत हो रही है तो गेट टेस्टेड, गेट वैक्सीनेटेड, वेयर देर आर वैक्सीन्स। अगर थोड़ा सा भी हमें लग रहा है तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, एचपीवी के खिलाफ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन है। सो यू कैन गो एंड गेट वैक्सीन्स। डोंट ड्रिंक एक्सेसिवली, डोंट यूज ड्रग्स, यूज कॉन्डम्स, राइट? करेक्टली यूज कॉन्डम्स एंड यूज कॉन्डम्स करेक्टली। कम्युनिकेट, राइट? कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर, बात करो, ऐसा नहीं कि धरू के नशे, फर्स्ट टाइम का वन नाइट स्टैंड, डोंट डू दैट। टॉक टू देम, वो कहाँ से हैं, क्या है उनकी, क्या हेल्थ प्रोफाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज वेरी वेरी गुड। देन प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस नाम की भी चीज होती है, जो है उसमें कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं हेपेटाइटिस के लिए, टेनोफोविर और सम अदर मेडिसिन हैं, जो अगर हमें लग रहा है एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस पे एक्सपोजर होने वाला है, तो हम ऐसी कोई रिस्की जगह जा रहे हैं, वट एवर इट इज, तो फिर हम उसको पहले ले सकते हैं। उसके लिए
प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस का अलग वीडियो बनाया जाएगा लेटर ऑन. सो दिस इज द आइडिया विच यू शुड हैव अबाउट एचटीडीज, कि क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या समझना है. जैसे हमने बताया एचटीडीज में हमें ये सारी चीजों के लिए टेस्ट करने होते हैं, चाहे हम बैक्टीरिया बोले, वायरस बोले, व्हाटएवर. सो सारे 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 टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, और आप जाके एसटीडी पैनल अपने करवा सकते हैं फॉर क्लैमिडिया, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी 1-2, हर्पीज 1-2, सिफिलीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इतने तो टेस्ट होते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड डू गिव मी योर गुड कमेंट्स, गुड शेयर. शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, सो दैट दिस वीडियो इज सर्कुलेटेड मोर, इज प्रिफर्ड बाई यूट्यूब फॉर रिकमेंडेशन टू दी अदर्स, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? यू नेवर वॉन्ट योर यंगर फ्रेंड्स to get these kind of problems. Thank you so much. Stay connected, stay healthy.